Till now we have completed the first chapter, that is rational numbers. Now we will move forward to the next chapter, that is exponents. Okay, it is also called as powers. Exponents are also called as powers. Another name for it is index. Okay, exponents, power or index. These three are one and the same. Now, as multiplication is taken as repeated addition. Okay, multiplication क्या होता है आपका? Repeated addition. Like for example, 4 multiplied by 5 अगर आपको करना है, okay, तो 4 को आप क्या करते हो? 5 times add करते हो. Okay, 4 को आप क्या करते हो? 5 times add करते हो, तो you get 20. तो यानी आपका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन. ओके, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन. ओके, सिमिलरली एक्सपोनेंट इज टेकन एज रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन. तो वैसे ही एक्सपोनेंट क्या होता है? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होता है. लाइक अभी फॉर एग्जांपल 3 raised to 4 आपको गिवन है. ये क्या है? ये एक्सपोनेंट है. ओके, एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है. तो ये क्या होता है? इट इज रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन. यानी 3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो. ओके, तो ये क्या है? एक्सपोनेंट के केस में इट इज रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन. इट इज रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन. जैसे मल्टीप्लीकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन. वैसे एक्सपोनेंट क्या है? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, लुक ऑन योर स्क्रीन. इफ ए रैशनल नंबर, इफ अ रैशनल नंबर ए, ओके, एंड दैट रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, is repeatedly multiplied by itself n times, then it is written as a multiplied by a multiplied by a multiplied by a multiplied by dash 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 up to a raised to n. okay, तो ये आप जो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन आपने लिखा है तो उसको हम एक ही टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक a raised to n. okay, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है आपका 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. ओके, ये इतना बड़ा टर्म है आपका, तो हम इसको सिंगल चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 3 raised to 5. ओके, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपका, ये रिड्यूस हो गया है अभी ये शॉर्ट वाले टर्म में. तो इसके लिए हमको एक्सपोनेंट्स की जरूरत होती है. ओके, जब नंबर इट इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो वो केस में हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट इट इज सिंपल फॉर अस. ओके, टू राइट इट डाउन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एक्सपोनेंट्स का यूज अब हम कहां पे करते हैं? एक्सपोनेंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज क्वांटिटीज. ओके, एक्सपोनेंट क्या है आपका? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है. जैसे कि यहां पे देखो, 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, तो ये आपने क्या रिप्रेजेंट किया है? 3 raised to 5. अनदर एग्जाम्पल इज लाइक 4 raised to 7. यानी ये क्या है? 4 का 7 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है. ओके, 4 का 7 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स. ओके, सो ये वाला टर्म लिखना इट इज क्वाइट मीन्स डिफिकल्ट, यानी उसको ज्यादा स्पेस भी लगता है. तो उसके लिए हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं उसको ये फॉर्म में, उसको ही बोलते हैं हम एक्सपोनेंट फॉर्म. इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट फॉर्म. तो इस चीज के लिए आपको एक्सपोनेंट यूज में आता है. ओके, अभी एक्सपोनेंट्स हम लोग या तो बहुत लार्ज क्वांटिटी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं या फिर बहुत स्मॉल क्वांटिटी. लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोग आपके स्क्रीन पे देखो, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. अभी आप लोगों को पता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इट इज क्वाइट लार्ज, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है. ओके, लाइक आपको वैल्यू गिवन है 149
597870691 मीटर्स, ओके, इतना डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, ये वैल्यू मीटर्स में गिवन है। वही हमने अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो इट विल बिकम 1495978 किलोमीटर्स, ओके, बट अभी भी काफी बड़ा वैल्यू है किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद। तो उसको और छोटा करने के लिए हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, लाइक इन द थर्ड स्टेप 1.5 × 10^11 मीटर्स। वही वैल्यू को हमने क्या किया है, एकदम शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया है। सो वो शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन जो है उसको ही हम एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बोलते हैं। सो यहाँ पे हमको एक्सपोनेंट का यूज होता है, जैसे कि बहुत लार्ज क्वांटिटी अगर हमको फाइंड करना है या फिर बहुत स्मॉल क्वांटिटी फाइंड करना है। अभी ये जो एग्जाम्पल आपने देखा है आपके स्क्रीन पे, इट इज फॉर लार्ज क्वांटिटी। अभी हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे फॉर स्मॉल क्वांटिटी, ओके। अभी कैलकुलेट द डायमीटर और रेडियस ऑफ एटम। अभी आप लोगों को पता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। नाउ यू कैनॉट सी दैट पार्टिकल थ्रू योर नेकेड आइज, सो यू रिक्वायर माइक्रोस्कोप फॉर इट, ओके। सो माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स द साइज ऑफ दैट पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, ओके। अभी साइज ही स्मॉल है तो डायमीटर बहुत ही स्मॉल होगा। तो ये जो डायमीटर है आपको, ये स्मॉल डायमीटर आप अगर नॉर्मल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपका एटम का डायमीटर गिवन है 10^-8 सेंटीमीटर्स, ओके। तो ये इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये 10^-8 है तो इसको अगर प्लस में लाना है तो 1/10^8 ऐसा लिखना पड़ेगा, ओके। सो दिस विल बिकम व्हाट, 10 पे आपको 8 जीरोस लगाना है, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। तो 1/10 इतना वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी द डायमीटर, इट विल बी द डायमीटर ऑफ एटम। तो अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन है इतना, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट ऑल्सो, ये कैलकुलेशन में भी इजी होगा, इसलिए हमने उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिड्यूस किया है। सो हमको एक्सपोनेंट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, या तो बहुत लार्ज क्वांटिटी फाइंड करने के लिए या फिर बहुत स्मॉल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन ऑफ फाइंडिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओके। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, ओके। लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज 5/11^3, 5/11^3, ओके। यानी आपने क्या किया है, ये है आपका ए, ये कंप्लीट टर्म 5/11, और ये है आपका n, यानी ये कौन से फॉर्म में है, a^n फॉर्म में है, ओके, a^n फॉर्म में है। तो अभी इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a^n फॉर्म को a×a×a×a……up to n times, ओके। ये जो मल्टीप्लीकेशन है आपका n टाइम्स है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको n का वैल्यू गिवन है 3, तो ये 5/11 आपका a है, तो ये 5/11 का मल्टीप्लीकेशन है ये 3 टाइम्स, क्योंकि n का वैल्यू आपको 3 गिवन है। सो 5/11 × 5/11 × 5/11। हाउ टू कैलकुलेट दिस, 5 सारे न्यूमरेटर का पहले मल्टीप्लीकेशन करो, फिर सारे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन करो। लाइक 5 5 जा होता है 25, 25 5 जा होता है 125। सो और डिनोमिनेटर क्या होगा, 11 × 11 इज 121, एंड 121 × 11 इज व्हाट, 1331। सो इन दिस वे दिस एक्सपोनेंट फॉर्म इज रिड्यूस्ड इन द, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर, ओके। ये जो है आपका, ये एक्सपोनेंट फॉर्म का हमने रैशनल नंबर में रिप्रेजेंटेशन किया है, ओके। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल इज लाइक −2/5, ओके, दिस इज योर अनदर एग्जाम्पल एंड इट इज √5, ओके, −2/5 √5। यानी आप क्या करोगे, −2/5 × −2/5 × −2/5 × −2/5
एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू बाय फाइव। फाइव टाइम्स आप ये नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ओके, क्योंकि पावर क्या है आपका, फाइव है। अभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हम लोग माइनस साइन को साइड में रखते हैं। टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, एंड सिक्सटीन टू ज़ा इज़ वट, 32। ओके, अभी माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, यानी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ 25, ये दोनों का हुआ 25, और ये बचा 5। अब 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, और बचा क्या, ये 5। सो 625 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा, तो ये डिनोमिनेटर का वैल्यू आएगा आपको। तो ये आएगा 6250 का हाफ कितना होता है, 3125। ओके, सो दिस विल कम 32 डिवाइडेड बाय 3125। सो सच एग्जांपल्स आर देयर इन दिस एक्सपोनेंट चैप्टर। ओके, नाउ वी हैव सीन दैट एक्सपोनेंट फॉर्म को हमने रैशनल नंबर में एक्सप्रेस किया है, यहाँ पे भी हमने एक्सपोनेंट फॉर्म को रैशनल नंबर में एक्सप्रेस किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रैशनल नंबर है इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, लाइक माइनस 32 डिवाइडेड बाय 3125। ओके, इसको आपको क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकालोगे, फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालोगे, और वो सारे फैक्टर्स आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, लाइक अभी हम लोग पहले न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकालते हैं। आप थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को साइड में रखो, ओके, माइनस 32 को आप साइड में रखो, तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से जब आप डिवाइड करोगे 32 को तो कितना मिलेगा, 16। ओके, फर्दर 2 से जब आप डिवाइड करोगे 16 को तो कितना मिलेगा, 8। फर्दर 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा। सिमिलरली अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, और फिर बाद में फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा एट द लास्ट। तो ये जो मिले हैं हमको, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 32। तो आप क्या करोगे, अभी ये माइनस साइन को भी आप कंसिडर करोगे, तो यानी ये क्या होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2। ओके, यहाँ पे कितने 2 है, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 टाइम्स 2 लिखा है और हर एक को माइनस साइन दिया है। ओके, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो, अभी डिनोमिनेटर के भी आप फैक्टर्स निकालोगे तो ये क्या होगा, 3125। ओके, अभी लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, आपको चेक करना है 2 से डिविजिबल है या नहीं है, अगर 2 से डिविजिबल है तो आप 2 से डिवाइड करो, फिर बाद में 2 से नहीं है तो आप 3 से चेक करो, 3 से डिविजिबल होगा तो 3 से डिवाइड करो, ये 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्टली 5 से डिविजिबल है तो आप 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आएगा 625। ओके, अगेन फिर 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 125। अगेन फिर 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 25। अगेन फिर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5। अगेन फिर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 3125। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिखना है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ओके, तो अभी इसको क्या है, हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये माइनस 2 रेस टू क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 5 रेस टू 5। ओके, तो हम इसको कंबाइन में भी पावर दे सकते हैं। ओके, ये दोनों को अभी कंबाइन में पावर दोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 5। ओके, तो आपको जो रैशनल नंबर है उसको आप एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करते हो, या फिर एक्सपोनेंट से भी आप रैशनल नंबर बना सकते हो। सो दिस इज द केस, you can represent it in both the ways.